नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में प्रथम प्रश्न पत्र और जिस प्रश्न पत्र का नाम है भारतीय दर्शन एवं व्याकरण और उसमें हम पढ़ रहे हैं पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता का तृतीय अध्याय और उस अध्याय का नाम है विद्यार्थियों कर्म योग। देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कि ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढांस्तान विद्धि नष्टान चेतसः। देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, देखिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो व्यक्ति सभी कर्मों को भगवान श्री कृष्ण के लिए अर्पित कर देता है और उनमें कोई आसक्ति नहीं रखता और तब कर्म करता है तो वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और वह जब कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ये माने जो और तू माने तो एतदभ्य एतत माने यह अभ्यसूयंत अभ्यसूयंत कहते हैं ईर्ष्या करने वाले असूया करने वाले न अनुतिष्ठन्ति न माने नहीं अनुतिष्ठन्ति अनुष्ठित होते हैं उसको मानते हैं मे मतम मेरे मत को। क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि जो व्यक्ति मेरे इस मत का पालन नहीं करते हैं कौन से मत का कि आसक्ति से रहित होकर के कर्म करें और आसक्ति से रहित होकर के जब कर्म करें और भगवान को अर्पित करके भगवान को समर्पण करके उन कर्मों को करें इस मत को अगर कोई ही नहीं मानता है। क्या कहा कि ये तो एतत अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम कि जो ईर्ष्या करते हैं अभिसूया करते हैं वे व्यक्ति और मेरे इस मत का जो पालन नहीं करते हैं सर्व ज्ञान विमूढान कि सभी ज्ञानों से जो मूढ़ होते हैं ऐसे तान उन व्यक्तियों को विद्धि समझो नष्टान अचेतसः कि ऐसे जो अचित्त वाले हैं जिनमें ज्ञान नहीं है ज्ञान से मूढ़ हैं ऐसे जो व्यक्ति और जो भगवान के परम परमात्मा के इस मार्ग का जो अनुसरण नहीं करते हैं ऐसे जो व्यक्ति हैं इस संसार में इस दुनिया में उनको तो नष्ट ही समझो। क्या कहा तान विद्धि नष्टान अचेतसः अचेतसः कहते हैं अचित्त वाले असावधान मन वाले जो व्यक्ति होते हैं और जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इस मार्ग का जो अनुसरण नहीं करते हैं उनको नष्ट चित्त वाला ही समझो अर्थात उनका जीवन व्यर्थ है। इस प्रकार से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। देखिए क्या कहते हैं अनुतिष्ठन्ति अनुतिष्ठन्ति तो देखिए आप लिखेंगे अनु उपसर्ग स्था धातु प्लस लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। फिर देखिए त्वेतत क्या कहते हैं त्वे तद भ्य सूयन्तो तो इसमें देखें कि तू प्लस एतत प्लस अभ्यसूयन्तो
अभ्य सूयंतो, यहां विद्यार्थी हो जाएगी यण संधि और यहां हो जाएगी जसत्व संधि। यण का सूत्र है एकोयणची और जसत्व का सूत्र है झलाम जसोअन्ते। फिर देखिए जो तीसरी व्याकरण टिप्पणी है, मे आप लिखेंगे अस्मद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, और उसके बाद देखिए नानु तिष्ठन्ति चौथा है, नानु तिष्ठन्ति आप लिखेंगे न प्लस अनुतिष्ठन्ति। और इसमें हो जाएगी विद्यार्थियों दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि का सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ। क्या सूत्र है? अकह सवर्णे दीर्घ मतम है। आप लिखेंगे मत शब्द प्रथमा विभक्ति, सॉरी द्वितीय विभक्ति एक वचन, प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। क्या कहते हैं? देखिए सदृशम चेष्टते कि सदृशम माने समान, चेष्टते माने चेष्टा करते हैं, स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवान अपि कि स्वस्या माने अपनी प्रकृतिर प्रकृति के अनुसार, ज्ञानवान अपि कि जो ज्ञान वाला व्यक्ति होता है वह भी क्या है, जो भी कार्य करता है वह अपनी प्रकृति के अनुसार करता है, स्वभाव के अनुसार करता है। क्या कहते हैं? कि सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवान अपि कि जो ज्ञानवान व्यक्ति होता है वह अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है, और प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति कि जो भूत हैं जितने भर जीव जंतु हैं इस संसार में वह अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते हैं, तो निग्रह जो इंद्रिय आदि का जो निग्रह होता है वह किम करिष्यति क्या करेगा। क्या कहते हैं? देखिए
कि सदृशम चेष्टते, कि सदृशम माने समान चेष्टते, चेष्टा करते हैं, कार्य करते हैं, स्वस्याह प्रकृतेह ज्ञानवान अपि, कि जो ज्ञानवान व्यक्ति होता है, जो ज्ञान वाला व्यक्ति होता है, वह भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है। जैसा व्यक्ति का स्वभाव होता है, वह अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करता है। और प्रकृति में यान्ति भूतानि, के जो जितने भर जीव जंतु हैं, वे प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते हैं। निग्रह किम करिष्यति, तो जो निग्रह है, जो इंद्रियों को वश में करना है, वह क्या करेगा। अर्थात इसमें भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि इस संसार में प्रत्येक जीव अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। उसको अगर कितना भी ज्ञान है तो भी क्या करेगा, वह अपने स्वभाव के अनुसार, प्रकृति के अनुसार ही कार्य करेगा। अगर उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, फिर भी वह अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है। देखिए, देखिए प्रकृति यान्ति, आप लिखेंगे या धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन और दूसरा है भूतानि आप लिखेंगे भूत शब्द है प्रथमा विभक्ति बहुवचन और उसके बाद विद्यार्थियों तीसरा है ज्ञानवान, ज्ञानवान है। तो देखिए ज्ञान शब्द है और मतु प्रत्यय है विद्यार्थियों, और उसके बाद करिष्यति किरी धातु है लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और देखिए प्रकृतिर ज्ञानवान अपि, प्रकृतिर ज्ञानवान अपि, तो आप लिखेंगे प्रकृतेह प्लस ज्ञानवान अपि। और आप लिख देंगे विसर्ग इस प्रकार। विद्यार्थियों आप इसकी व्याकरण टिप्पणी कर देंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।